आते हैं आज के लिहाज के टॉपिक पे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, मेरी आवाज सही आ रही है माइक से? चुभरी तो नहीं है मेरी आवाज? बहुत तेज तो नहीं आ रही? तेज आ रही है, थोड़ी कम कर दो। हेलो हेलो हेलो, अब कुछ बेहतर है? अच्छा, अब देखो, हमने लास्ट जो पढ़ा था ना, अभी तक जावास्क्रिप्ट में हमने क्या चीजें पढ़ ली है? हमने वेरिएबल बनाना पढ़ लिया, सही है भाई, स्क्रीन तो बाकी बहुत छोटी छोटी दिख रही है। अच्छा, तो अभी तक जो जावास्क्रिप्ट में हमने चीज सीख ली है वो हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया है। एक तो कि नंबर का वेरिएबल कैसे बनता है, स्ट्रिंग का वेरिएबल कैसे बनता है, दो नंबरों को प्लस करके भी देख लिया हमने। अच्छा, उसके अलावा हमने कंसोल पे किसी चीज को प्रिंट करवाना, वो भी हमने देख लिया। फिर हमने यूजर से इनपुट कैसे लेना है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, हमने ये मेथोलॉजी भी एक स्टडी की थी जिसको हम बोलते हैं इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, इसको आईपीओ मॉडल करके कुछ नाम है इसका, बड़ा अच्छा वो नाम तो मैं भूल गया, बहरहाल वो भी हमने अच्छे से देखा था कि कोई भी दुनिया की मशीन है वो क्या करती है, वो यही तीन काम करती है, यूजर से इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और उसको आउटपुट दिखाती है। तो हमने इनपुट लेना सीख लिया, हमने आउटपुट दिखाना सीख लिया। बीच का जो प्रोसेस वाला पार्ट है ना, ये तो थ्रू आउट द कोर्स अभी हम जितनी भी प्रोग्रामिंग सीखेंगे ना, वो बीच वाला ये पार्ट सीख रहे होंगे कि उस इनपुट को किस किस तरह से और क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर हम कर सकते हैं किसी भी इनपुट। ठीक है, जैसे फोटोशॉप है, एक पिक्चर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके पिक्चर ही आउटपुट दे रहा होता है। एक कैलकुलेटर है, वो दो चार नंबर इनपुट लेता है, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह करके आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो अलग अलग मशीन में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में जो प्रोसेसिंग है वो काफी मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा, हमारा इस दौरान जो हम ये प्रोसेसिंग करना सीखेंगे, तो हमारा मेन जो फोकस होगा वो सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, और सॉफ्टवेयर में खास तौर पे ऐसे सॉफ्टवेयर जो जिनको हम एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है एप्लीकेशन किस तरह के सॉफ्टवेयर को कहते हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर एक किस्म होती है एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं। अच्छा, वैसे तो हम कहते हैं ना एप्स, व्हाट डू यू मीन बाय एप्स? जो डाउनलोड हो वो ऐप है। हाँ, बात सही है, लेकिन ऐप क्या बाकी सॉफ्टवेयर से कुछ मुख्तलिफ है क्या? ऐप एप्लीकेशन व्हाट? मखसूस कोई काम करती हो तो उसको एप्लीकेशन। तो वैसे एप्लीकेशन जो है अंग्रेजी में किस चीज को कहते हैं? दरख्वास्त को कहते हैं, बिल्कुल सही। देखो, आधी कहानी ना नाम में छुपी हुई है कि हमेशा गौर करना, कोई भी चीज का नाम जो है ना उसमें आधी कहानी छुपी हुई होती है। अच्छा, तो किसी ऐप का नाम बताओ। फेसबुक एक ऐप है, फेसबुक ऐप है। फेसबुक को हम क्या दरख्वास्त देते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले लाइव सेशन किया, फेसबुक खोला मैंने, मैंने एक बटन दबाया तो मैंने दरख्वास्त की यार लाइव सेशन चला दिया उसने। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम कुछ काम लेते हैं जिससे, वो एप्लीकेशन कहलाता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। मिसाल के तौर पर इस कमरे के अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है कि बंदे आते जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही कुछ कर रहा है, दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट एन एप्लीकेशन। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर तो है लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन क्या होता है कि भाई पीडीएफ की फाइल है उसको मुझे रीड करना है, उसके लिए एक एप्लीकेशन में डाउनलोड करता हूँ, रीड करता हूँ। ठीक है, उसकी जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, वापस रख देता हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन का एक और भी नाम होता है यूटिलिटी एप्स, इसका जो पूरा नाम समझ लें आप, यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी जो है उसी का एक नया नाम है ये एप्लीकेशन। यूटिलिटी जो है उसको कहते हैं जैसे गैस बिजली वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी है मतलब जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इस्तेमाल करूंगा फिर रख दूंगा। ठीक है, जैसे मेरे घर पे कोई सीढ़ी है, लैडर, कोई हथौड़ा वगैरह छेनी है, ये सारी ये क्या है? ये टूल्स हैं, ये यूटिलिटीज हैं आपकी। जब इसकी आपको जरूरत पड़ती है आप उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर रख देते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह के सॉफ्टवेयर के ऊपर गौर करेंगे कि इस तरह के
सॉफ्टवेयर में जो प्रोसेसिंग होती है वो किस किस्म की होती है, ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशंस में भी एक खास, देखो ये दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की इतनी बड़ी दुनिया है, अगर हम पूरा सॉफ्टवेयर सीखना शुरू करते हैं तो शायद फिर कभी भी खत्म ना हो ये कोर्स, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में भी हम एक खास तरह की एप्लीकेशन पे गौर करेंगे, क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस, ठीक है। क्लाइंट एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशंस को कहा जाता है कि जिसमें असल प्रोसेसिंग यूजर के कंप्यूटर में नहीं हो रही होती, यूजर जो है वो जस्ट एक क्लाइंट होता है। मिसाल के तौर पे गूगल शीट की मिसाल लो, गूगल शीट जो होता है उसके अंदर आप उसको ओपन करते हैं, एप्लीकेशन है ना भाई, एप्लीकेशन है क्योंकि वो यूटिलिटी की चीज है, आप इस्तेमाल करते हैं फिर बंद कर देते हैं, पड़ा हुआ है पीछे वो, आप उसको ओपन करते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर में कुछ भी सेव नहीं होता, सब क्लाउड में ही होता है, उनके कंप्यूटर में होता है, आपके पास नहीं होता। तो दैट एप्लीकेशन, दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड क्लाइंट एप्लीकेशन, जिसमें आपका क्लाइंट होता है थिन क्लाइंट, वो मोबाइल पे भी खुल जाता है, कंप्यूटर पे भी खुल जाता है, तो इस तरह की एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो कैटेगरी है ना एप्लीकेशन की, ये शायद सबसे ब्रॉड कैटेगरी है। अच्छा, क्यों? तकरीबन जितनी भी एप्स हैं आपके प्ले स्टोर पे इसमें, वो सब ये वाली टाइप है। अच्छा, कैसे? किसी बैंक की एप्लीकेशन की हम बात करें, एचबीएल है। अब एचबीएल की ऐप जब आप खोलते हैं उसमें आप कोई भी ऑपरेशन करें आपके फोन में सेव थोड़ी होता है, वो तो नहीं पास चल रहा होगा, आपको सिर्फ दिखता है। तो ये क्लाइंट है, आप उसको यूज कर रहे हैं, पीछे कहीं सर्वर होता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं। अच्छा, आप जैसे फेसबुक की बात करें, फेसबुक आप अपने फोन में खोलते हैं तो आपके फोन में कुछ भी सेव होता है? नहीं होता। फोटो वगैरह जो भी किसी ने शेयर की वो सब उधर ही रहती है, आप देखते हैं जस्ट, आप भी शेयर करते हैं तो फिर आपके फोन से ताल्लुक नहीं है, आप कहीं भी खोल लें मिल जाएगा। व्हाट्सएप ऑन अदर हैंड थोड़ा सा मुख्तलिफ है, पीयर टू पीयर है, व्हाट्सएप में आपके सारे मैसेजेस आपके ही फोन में होते हैं, क्लाउड में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, क्लेम करते हैं वो पीयर टू पीयर है, लेकिन वो भी किसी हद तक मतलब 50-50 है वो भी, क्योंकि अगर प्योरली होता ना पीयर टू पीयर तो इसका मतलब ये होता है अगर आप ऑनलाइन नहीं है मैं आपको मैसेज करूँ तो फेल हो जाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास से चला जाता है, आप एक घंटे बाद ऑन करते हैं आपके पास आ जाता है, तो बीच में कहाँ था, कहीं तो था ना, किसी सर्वर पे स्टे कर रहा था ना, तो पीयर टू पीयर वो असल में है नहीं, वो शुरू में था, बिल्कुल शुरू में। स्काइप भी शुरू में पीयर टू पीयर था कि आप अगर किसी को मैसेज भेजे ना वो ऑनलाइन नहीं है तो फेल हो जाता, वो जाता ही नहीं था, बीच में सर्वर है ही नहीं, पीयर डायरेक्ट आपके पास, तो वो ऐसा आपने है नहीं। अब कोई भी एप्लीकेशन पीयर टू पीयर नहीं, सबके बीच में सर्वर है, और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भी ये है कि भाई आप क्या भेज रहे हैं, बीच में कोई तो देखे उसको, कोई तो मैनेज करने वाला हो। अच्छा, तो तकरीबन जितनी भी एप्स हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो असल में क्लाइंट साइड एप्स होती है, क्लाइंट होती है, ठीक है। जैसे कोई मिठाई की दुकान पे आप गए, कोई आपने ऑनलाइन स्टोर ओपन किया, वो सारी एप्स जो है वो क्या होती है, आप क्लाइंट होते हैं जस्ट उसके, आप उसमें अपना नाम वगैरह लिखते हैं, क्रेडिट कार्ड का नंबर डालते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर लग जाता है, लेकिन वो ऑर्डर आपके आपके कंप्यूटर में नहीं आता, वो रहता उधर ही है, आप जब खोलेंगे दिखेगा आपको, आपको नोटिफिकेशन वगैरह ईमेल के जरिए आती रहती है कि आपका ऑर्डर अभी यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, उस इस क्लाइंट वाली ऐप के अंदर भी हम एक खास किस्म की ऐप को टारगेट करेंगे। एक तो ये क्लाइंट की ऐप है ना, ये सारी एंड्रॉइड ऐप जितनी भी है ये सब क्लाइंट साइड है, क्लाइंट ऐप्स कहलाती है। उसके अंदर जो एक खास कैटेगरी है ना जो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है अभी, रिसेंट है काफी, वो है चैट बॉट और वॉइस एप्लीकेशन, ठीक है। चैट बॉट और वॉइस एप्लीकेशन क्या है कि वही काम जो आप क्लिक करके करते हैं ना, अब आप बोलेंगे उसको। मिसाल के तौर पे आप एचबीएल की ऐप खोल के, आप कहते हैं ना शो बैलेंस, तो आप एचबीएल की ऐप खोल के ना बात करेंगे उससे, ठीक है, आप बोलेंगे कि यार शो मी बैलेंस। अच्छा, ऐप तो नहीं, हम खैर वेबसाइट पे करेंगे, फ्रंट एंड पे करेंगे, ठीक है, वेबसाइट पे, इसलिए कि ज्यादातर जो शुरू में लगेंगे चैटबॉट वो वेबसाइट पे लगेंगे सर, ठीक है। तो अच्छा, और उसके अलावा गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा, ये दो इसके मेजर बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम इन प्लेटफॉर्म्स को भी डिस्कवर करेंगे वेबसाइट के साथ साथ इन दोनों प्लेटफॉर्म को, इस पे ये चैटबॉट कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, हम चैटबॉट अभी जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इसकी इतनी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट नहीं है अभी फिलहाल, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी कंट्रीज में तो लोग बड़े एंथुजियास्ट हैं और मिलियंस ऑफ डिवाइसेस ये बेच चुके हैं गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा, और लोग बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ की बात, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है, जो यूएस में वेस्ट में आ चुकी है यहाँ पे आना बाकी है। अच्छा,
आप इमेजिन करें व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप व्हाट्सएप जब तक नहीं आया था तो मोबाइल फोन इतने कॉमन नहीं थे। मोबाइल फोन जो होते थे आमतौर पे, जैसे आप जो इलिटरेट, हमारा बहुत बड़ा तबका है इलिटरेट है, जो टेक्नोलॉजी से शायद हमें लगता है कि बहुत दूर है ठीक है, लेकिन असल बात ये टेक्नोलॉजी उनसे बहुत दूर है, वो टेक्नोलॉजी से दूर नहीं है, टेक्नोलॉजी उनसे दूर है वो। जैसे किसी बस का कंडक्टर है, कोई चाय की दुकान पे चाय बना रहा है, कोई वेटर है, कोई खड्डा खोदने वाला मजदूर है, कोई घर बनाने वाला मजदूर है ठीक है, कोई कारपेंटर है, कोई ये फॉल सीलिंग लगाने वाला कोई है। तो हमें लगता है कि यार ये तो बेचारे टेक्नोलॉजी से बड़े दूर है, सही है, लेकिन वो हमें लगता है, लेकिन असल बात ये टेक्नोलॉजी उनसे बहुत दूर है। टेक्नोलॉजी अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची कि इन लोगों को फैसिलिटेट कर सके ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप आने के कुछ दिनों बाद, मैं ये मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग बात थी, मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी कि यार 50-60 साल की खवातीन, मेरी अपनी खालाएं उनको फेसबुक पे अकाउंट बनाना सिखाते सिखाते मेरी जिंदगी निकल गई, उनसे फेसबुक नहीं चला ठीक है, अभी तक नहीं चला, फेसबुक नहीं चला उनसे भाई। हमारी ये खालाएं उनको मतलब लोग बता दे फेसबुक पे ये हो गया, फेसबुक तो उनको बड़ा बोल दे फेसबुक ये है क्या चीज, बना मुझे भी चाहिए, तो उनको वो फोन में उनके फेसबुक वगैरह कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब वो फंस जाए दोबारा उसमें, यार ये किधर आ गया, इसमें ये क्या हो गया, उनसे वो हुआ ही नहीं। अच्छा, मेरी अम्मी की बात कर रहा हूँ, मेरी अम्मी डॉक्टर है सही है, तो मतलब डॉक्टर डॉक्टर के साथ क्या होता है, ये पूरी जिंदगी उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे अभी कोविड वगैरह आया ना, तो आप लोगों के लिए शायद बहुत से लोगों के लिए ये क्या हो गया, वायरस आ गया ठीक है, लेकिन मेरे लिए शायद ये इतनी शॉकिंग बात नहीं, क्योंकि हर 2-3 महीने पे ना कोई वायरस आता है नया, और फिर मीटिंग कॉल होती है, वो सब लोग जमा हो जाते हैं, तो मेरे लिए कैजुअल ही था। हाँ, लेकिन बाद में मुझे हुआ कि नहीं यार ये बहुत अभी ये रियल वाला है कुछ तो ये डॉक्टरों के लिए ना कोई नई बात नहीं होती, तो उनको हर वक्त पढ़ाई करते रहना पड़ता है, हर 2-3 महीने पे मीटिंग आती है कि भाई कोंगा वायरस आ गया, कोंगा वायरस आ गया, पता नहीं कौन सा, तो वो जाके उसकी पढ़ाई करते हैं, उसके टेस्ट देते हैं, तो कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं, लेकिन फेसबुक उनसे भी नहीं चला, अभी तक नहीं चला, लेकिन व्हाट्सएप जैसे ही आया ना तो इन सबसे चल गया। खड्डा खोदने वाले मजदूर के पास, कंडक्टर के पास, चाय वाले के पास, बूढ़े लोगों के पास, खवातीन के पास, सबके पास व्हाट्सएप है। क्यों है? क्योंकि व्हाट्सएप आसान बहुत है, उसमें याद नहीं रखना पड़ता, सबने बड़ा मसला पासवर्ड याद रखना, उन्होंने हटा दिया उसको। तो आप समझ रहे हैं कि एज ऑफ एक्सेस जो है ना, उससे डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट इफेक्ट होती है, जो अगर आप एक्सेस उसको आसानी से कर पा रहे हैं, इस्तेमाल उसको आसानी से कर पा रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है। जो लोग पहले फेसबुक और इंटरनेट यूज नहीं कर पाते थे, वो भी अब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और कॉल वो अब व्हाट्सएप पे करते हैं, सारी वीडियो कॉल करते हैं। तो अच्छा, वीडियो कॉल ऐसा नहीं है कि आज से पहले मौजूद नहीं थी, व्हाट्सएप से पहले हजारों प्लेटफॉर्म है जो वीडियो कॉल की सहूलत देते हैं। स्काइप था, स्काइप बड़े जमाने से चल रहा है, आज से जब मैं इतना ज्यादा, जब से मैं देख रहा हूँ स्काइप को, तो लेकिन वो उस पे वो कंडक्टर और पठान मजदूर के पास क्यों नहीं आया, खड्डा खोदने वाले के पास, वो व्हाट्सएप कैसे आ गया? व्हाट्सएप का यूजर एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, आसान है। अब हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं वॉइस पे। अगर आप इमेजिन करें कि मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, एचबीएल, मुझे नहीं मतलब किसी बुरी खातों को, एचबीएल की ऐप उनके पास है, उसको पैसे ट्रांसफर करना है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बेनिफिशियरी ऐड होगा पहले, उसके बाद वो अकाउंट नंबर देख के प्रिस्क्रिप्शन से लिखना होगा, सब कुछ करना होगा। आप इमेजिन करें कि किसी खातून ने ऐप खोली, उसने बोला पैसे ट्रांसफर करना, उर्दू में बटन दबाया, टीक, पैसे ट्रांसफर करो, सामने से वो बोले भाई कितने पैसे ट्रांसफर करो, मैंने कहा यार 5,000, फिर उसने बोला किसको करना है, आप उसका नंबर स्कैन कर लें या बोल के बता दें, तो मैं, मेरे हाथ में अकाउंट नंबर है, मैंने एक एक करके अकाउंट नंबर पढ़ा, उसको पता चल गया, उसने कहा अकाउंट टाइटल इसका जो है वो अब्दुल रजाक जो भी है, मैंने कहा हाँ ये कितना आसान हो गया। एटीएम के इमेजिन करें आप, एटीएम पे अगर ये चीज आ जाए, मैं कुछ अरसे, अभी तो खैर पता नहीं कोई सिस्टम चेंज हो गया शायद, कुछ अरसे पहले तक मैं जब भी एटीएम जाता था तो कोई ना कोई बूढ़ी खातून या कोई बूढ़ा आदमी खड़ा होता था,
जिसको बेचारे ने मोटा चश्मा लगा बैठना और वो कार्ड कोई लेके पता नहीं आया उधर। मैंने उससे पूछा गया कि क्या है, उन्होंने कहा हमारे पैसे आते हैं इसमें, वो शायद पता नहीं रिटायरमेंट के कोई पैसे होते हैं क्या होते हैं। तो वो बड़े 20-25 लोग खड़े थे उधर मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो उनसे कार्ड चल रही नहीं होगा, वो कार्ड डालते हैं वो कार्ड अंदर फंस जाए, कार्ड लिए वो कहें यार ये क्या हो गया। एक दफा वो एटीएम में खड़े होकर लड़ाई करने लगे एक दफा कि मैंने इसमें कार्ड डाला था, मेरा कार्ड वापस नहीं आया, अभी तुम नहीं आओ, वो बंद करके खड़े हैं, अभी आएगा कार्ड वापस। तो अब उसने अपनी अकल से सही बोला कि यार मेरा कार्ड तो अंदर है, उसके उनके ख्याल में ये कार्ड ही पैसा है, पैसे तो अंदर चलेगा, अभी निकालो उसको, कैसे निकलेगा ये तो बड़ा मसला है। तो टेक्नोलॉजी उनको सर्व नहीं कर पा रही, टेक्नोलॉजी जो है वो डंप है काफी इस पॉइंट पे। अच्छा अब वहीं पे अगर ये काम वॉइस पे हो कि बंदा जाए, अब तो वो कार्ड का सिस्टम तो थम आ गया ना, थम इंप्रेशन लगाए वहां पे जाके और बोले कि यार मुझे पैसे चाहिए 5,000 इसमें कोई मसला है, उर्दू में बोले कि मुझे 5,000। अच्छा उर्दू में भी आया नहीं है भाई, दबे हम अंग्रेजी वाला पढ़ेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कि विड्रॉ 5,000 फ्रॉम माई अकाउंट, हम ये बोलेंगे। लेकिन उर्दू में सिर्फ टाइम की बात है, उर्दू की सपोर्ट आ गई है वैसे, लेकिन वो बहुत ही डंप है। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी फेसबुक पर, तो वो अभी इस काबिल नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वंस आप उसको चलाना सीख जाएंगे तो फिर उर्दू इंग्लिश की तो बात ही नहीं है ना, वो एक ही तरीके से चलता है उर्दू या इंग्लिश, और जस्ट लैंग्वेज चेंज करेंगे उर्दू में मिल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट टाइम की बात है, वेट एंड वॉच, कि ये उर्दू में जैसे ही आएगा तो पाकिस्तानी मार्केट तो ये खा जाएगा। अच्छा मेरा ये मानना है, और मेरी बातों में आ रही जरूरत नहीं, आप गूगल भी कीजिएगा तो वहां पे भी आपको एक डेटा मिलेगा। मैं तो ये शायद 2016 से कह रहा हूँ, इंटरनेट पे लोग आप बोलने शुरू हैं कि जितनी भी कंपनीज इस वक्त मौजूद हैं, एक जमाना था कि वेबसाइट नई नई थी तो लोगों को लगता था यार हमारी कंपनी तो छोटी कंपनी है, हमें वेबसाइट की क्या जरूरत है। लेकिन एक पॉइंट आया कि जो 2 रुपए की टॉफी भी बिक रही है ना दुकान पर, और जो कपड़ा धोने का जो साबुन बिक रहा है 20 रुपए का, बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का जो सबसे है ना, उस पर भी वेबसाइट लिखी हुई थी, आप जाके चेक कीजिएगा, जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की चीज है ना उस पर भी वेबसाइट लिखा हुआ, और वो वेबसाइट खुलेगी आप उसको खोलेंगे। छोटी से लेके बड़ी तक हर कंपनी के लिए वेबसाइट मैंडेटरी हो चुकी है इस वक्त। जिस कंपनी की वेबसाइट नहीं होती ना, लोग उसको फेक समझते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। आपको कोई प्रोडक्ट का नाम बताया, मिसाल के तौर पर आपको कोई जैसे ये हेडफोन पड़ा हुआ है मेरे सामने, ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार ये कौन सा हेडफोन है, तो किसी को कन्वेंस करने के लिए ना कि ये अच्छा ब्रांड है, ये अच्छी क्वालिटी का हेडफोन है, वो इसकी वेबसाइट पर जाने की कोशिश करते हैं और उसको जाके देखते हैं कि यार ये क्या बता रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। और अगर इसकी वेबसाइट ही ना हो तो यार ये कौन सा बेनामी प्रोडक्ट है, चाइना का माल है, चाइना में जो मास्क प्रोडक्शन होती है उसकी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं होती आमतौर पर, वो कमोडिटी के तौर पर बिक रहा होता है, वो कहते हैं यार ये कमोडिटी है, ये ब्रांड नहीं है, जिसकी कोई वेबसाइट नहीं है ना वो कमोडिटी है, वो ब्रांड नहीं है, वो बस मिनिमम उसमें रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं हो रही। तो वेबसाइट इज द मीडियम टू जज अ प्रोडक्ट कि ये अच्छा है या नहीं है। अच्छा यही चीज अब वॉइस एप्लीकेशन में होने वाला है। अभी शुरू में शायद कंपनी सोचेंगे यार हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारी तो छोटी कंपनी है, हमें क्या जरूरत है, लेकिन थोड़े ही दिनों की बात है, और ज्यादा नहीं 1-2 साल की, क्योंकि कोविड के बाद और पिछले 10 सालों में जिस तरह रैपिडली ग्रोथ हो रही है इस इंडस्ट्री की, तो पहले जिस चीज को होने में 5 साल लगते थे ना, आप 6 महीने लगते हैं, तो ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है, ये 1-2 साल की बात है। जितनी भी कंपनी है पूरी दुनिया में जिन्होंने वेबसाइट रजिस्टर की हुई है, उनके कस्टमर उनसे डिमांड करेंगे कि हमें इसका वॉइस वाला वर्जन भी चाहिए, हमें इसका चैटबॉट वर्जन भी चाहिए। कितनी नॉनसेंस बात है कि पिज्जा ऑर्डर करने की, अब हमारे यहाँ तो पिज्जा ऑर्डर करने का इतना रिवाज नहीं है, लेकिन यूएस में ना लोग खाते ही पिज्जा, उनको रात रात को कभी भूख लगती है ना 12-1 बजे उठते हैं तो वो बस थक के ऑर्डर करते हैं और 15 मिनट में वो पिज्जा उनके घर पे होता है, इतने में वो आंखें मलते हैं ना उतने में पिज्जा लेके हाजिर हो जाते हैं, ठीक है, इतना फास्ट वहां चल रहा है और वहां पे बहुत कसरत से लोग ऑर्डर करते हैं पिज्जा। तो क्या नॉनसेंस बात है कि मैं एक ही पिज्जा ऑर्डर करता हूँ हमेशा और फिर भी मुझे ऐप खोल के और 17 ऑप्शन पे ओके करना पड़ता है, कितनी नॉनसेंस बात है। मुझे तो पता है ना फ्लेवर, भाई ऐप में मुझे 10 फ्लेवर जो शो कर रहा है, मुझे तो पता है ना 10 के नाम, क्योंकि मैं तो खाता ही वही से हूँ,
इमेजिन कर लो, ठीक है, आमतौर पे लोग खाने पीने में ना बड़े कॉन्शियस होते हैं, हमारे यहाँ भी अब होना शुरू हो गया कि वो उनको एक पता चल जाता है अच्छा ये प्रोडक्ट इनकी सही है तो वो वही मंगवाते हैं, ज्यादा वो इधर उधर नई चीजें ट्राई नहीं करते, टाइम नहीं है ना किसी के पास एक्सपेरिमेंट्स करने का। तो मुझे अगर मिसाल के तौर पे मीडियम फहीता चाहिए तो मैं ये क्यों ना बोलूं कि गिव मी मीडियम फहीता पिज्जा, दैट्स इट, मैं ये क्यों नहीं बोलूं, मैं क्यों ऐप खोलूं और खोल के सेलेक्ट करूं, फिर एक दफा मैंने ऑर्डर कर दिया अगर तो मेरा एड्रेस भी आ गया, मेरा कार्ट नंबर भी आ गया, मेरा फोन नंबर भी आ गया, पहली दफा में तो सब आ गया ना, अब अगली दफा मुझे क्यों, मेरे लिए जरूरी है कि मैं पूरी ऐप खोल के ये सारा कुछ करूं। तो ये कस्टमर, मैं एक कस्टमर हूं ना, मैं डिमांड करूंगा कि यार जिस पिज्जा की कंपनी में ना ये ऑप्शन होगा ना कि मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर करूं और सेकंड टाइम जस्ट मैं बोलूं और वो हाजिर हो जाए, कुन फाया, इंसान यही चाहता है ना, अल्टीमेट क्या इंसान है, कुन फाया कुन, मैं सोचूं और हाजिर हो जाए सामने। तो जो कंपनी मुझे ये फैसिलिटी देगी ना बोलने वाली, मैं उसी से ही ऑर्डर करूंगा, बाकी कंपनीज ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता जब देखेंगे ना हमारा बिजनेस रैपिडली नीचे जा रहा है, वो फिर टीम बिठाएंगे यार ये क्या चक्कर है, फिर उनको जब समझ में आएगा अच्छा यार फला कंपनी ऊपर जा रही है इसमें क्या किया, अच्छा इसमें चैटबॉट किया, तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट बिल्ड होगी। हाँ अभी 2 मिनट भेजता हूँ। अच्छा और अब इसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप, ये सारी ग्राउंड रियलिटीज की बात हो गई, अब चेरी ऑन द टॉप, आप सल्लम की एक हदीस है, मैंने पहले भी जिक्र किया था आप लोगों से कि पूर्वे क्यामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि जूती का तस्मा भी इंसान से बात करेगा, और भी 2-3 चीजों का जिक्र है इसमें, प्रीडेटर्स भी बात करेंगे, तो वो भी सब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता भी। तो मेरा ये बिलीव है कि ये जो है ना कि जूती का तस्मा भी बात, इसका मतलब है हर चीज बात करेगी भाई, जाहिर है सिर्फ मोबाइल ऐप में तो नहीं आएगा ना, ये एसी जो सामने रखा हुआ है, एसी में अभी वॉइस पावर्ड एसी आ चुके हैं, तो मैं ये क्यों ना बोलूं कि एसी 16 डिग्री पे हो जाओ, एसी ऑन हो जाओ, एसी ऑफ हो जाओ, यही है ना कि मैं बात करूं, क्या मैं ये क्यों ना बोलूं कि प्रोजेक्टर ऑन हो जाओ, ओबे करे ना मुझे टेक्नोलॉजी, जो इंसान की जो सबसे बड़ी फैंटेसी है ना, ओबे करे, चीजें ओबे करे मुझे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये होने वाला है कि मैं चीजों से, अपने घर में रखी हुई चीजों से मैं बात करूं, ठीक है, आईओटी से भी बड़ा गहरा फिर ताल्लुक बन जाता है इसके बाद, इसके अगले स्टेप में ना, ये जो यहाँ पे मैं ले आया हूँ, इसके बाद फिर आईओटी है, लेकिन हम आईओटी पे नहीं जाएंगे, हम आईओटी से पहले पहले तक रहेंगे, हम क्या करेंगे, जो अवेलेबल फ्रेमवर्क्स हैं, अवेलेबल फ्रेमवर्क का मतलब है आईओटी की जो डिवाइस पहले से बनी हुई है, गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा पहले से बनी हुई डिवाइस है, हमने नहीं बनाई, हम उस पर ऐप बनाएंगे फिलहाल, ठीक है। अच्छा फिर इंशाल्लाह कभी ना कभी हम सैलानी में कोर्स एडवांस लेवल का भी करेंगे, जिसमें आईओटी की डिवाइस भी हम बनाएंगे, उस पर ऐप भी हम बनाएंगे दोनों, तो अभी ये फिलहाल तो नहीं है, अभी इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में हम आईओटी का हम ये अनाउंस करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अभी आप नमाज पढ़ने चले जाए सब लोग, फिर वापस आके ना, ये वेरिएबल का जो मसला है ना, ये वेरिएबल, इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि यार ये वेरिएबल क्या बना है, और ये इसमें वेरिएबल में नंबर जब हम डालते हैं तो ये कैसे सेव हो जाता है और कहां जाके सेव हो जाता है जो हमें नजर नहीं आता, ठीक है। तो ये अगर हम समझेंगे कि इंटरनल मैकेनिज्म यहाँ हो क्या है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ, अच्छा मेरा अभी लैपटॉप नहीं है, हाँ नमाज के बाद दिखाता हूँ, मैं नमाज के बाद दिखाता हूँ, आगे तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि अच्छा चैटबॉट में आपको जरा दिखा देता हूँ पहले कुछ, अब मैं अपने व्हाट्सएप की स्क्रीन इस पे कैसे ला सकता हूँ पता किसी को, अच्छा चलो मैं कुछ और करता हूँ, मैं कुछ दूसरा काम करता हूँ, मैं ये नंबर तुम लोगों को देता हूँ, तुम लोग व्हाट्सएप पे ना मैसेज करो फिर देखो मुझे बताना, ये के इलेक्ट्रिक का एक चैटबॉट है जो रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया था, ये अच्छा इसका जो नंबर है वो मैं ना कॉपी करके
ये है 0348 और उसके बाद है 4 0 1 1 8। ये मैंने ना एयर डॉट सिस्मॉर्क पे नंबर भेजा, ये चैट बॉट है के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक की आपको पता है कि ऐप भी हुआ करती है, मतलब है अभी भी वो जो कंप्लेन वगैरह करने के काम आती है। तो ऐप में जितने काम होते हैं ना ऑलमोस्ट सारे काम ये चैटबॉट भी करता है। अब ये मेरी कन्वर्सेशन पिछली हुई भी है, अगर आप मेरी स्क्रीन आपको यहाँ से दिख रही है तो ये सारी कन्वर्सेशन में आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रॉल करके, ये सारी चैटबॉट से बात हुई भी। और ये मुझे इसने बिल भेजा हुआ डुप्लीकेट, ये देखो बिल इतनी दूर से शायद पता नहीं सही नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये बिल डुप्लीकेट बिल निकाला है मैंने चैटबॉट के लिए। तो ये नंबर मैंने दिया है, इस पर मैसेज कीजिएगा। ये एक चैट बॉट है लाइव है जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, इसको मैं खुद पर्सनली ये चैट बॉट यूज कर रहा हूँ। अच्छा मैकडॉनल्ड का चैट बॉट है, फेसबुक मैसेंजर यूज करता हूँ। और फूड अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा लेकिन बहुत सारे फूड की कंपनीज ने लगाया है। अच्छा और मैं आपको एक यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्या था चैट बॉट बॉट, अच्छा जी ये आपके सामने की स्क्रीन आ गई चुन्नी मुन्नी जी। अच्छा इसलिए हेलो आ जाना चाहिए था, शायद सर्वर मांग गया भाई को मैं डिप्लॉय हुआ था थोड़ा वो स्लीप में चल गया होगा। अच्छा क्या कह रहे हैं आपसे, वेलकम टू बीएनबी ब्रेकफास्ट एंड बारबेक्यू, हाउ कैन आई हेल्प। नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है, शो मेन्यू व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट। अच्छा ये सजेशन इसलिए आती है कि बंदे को पता नहीं है कि बोलना क्या है, बंदे को पता ही नहीं है शुरू में क्या बोलना है तो सजेशन आ जाती है। अच्छा लेकिन मैं अभी सजेशन पे क्लिक भी कर सकता हूँ, मैं सजेशन पे क्लिक करूंगा Here is the full menu. लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको रिफ्रेश करके मैं कन्वर्सेशन करूंगा इससे। अच्छा ये माइक बना है छोटा सा, इसको मैंने क्लिक किया, अलाउ का बटन दबा दिया, शो मी मेन्यू, होपफुली माइक अटैच है मेरा, ये शो मेन्यू। ये कोई शायद गड़बड़ हो गई है, दोबारा ट्राई करते हैं। शो मेन्यू, हियर इज द फुल मेन्यू। अच्छा ये बोल के भी बता रहा है लेकिन उसकी आपको आवाज नहीं आएगी, ये हेडफोन असल में लगा हुआ इसलिए। अच्छा ये देखो पूरा मेन्यू का ना इसने मुझे बता दिया। अच्छा अब देखो नीचे और भी आ रहा है कि व्हाट इज इन ब्रेकफास्ट बारबेक्यू वेज। मैं से पूछता हूँ कि व्हाट इज व्हाट डू यू हैव इन नॉन वेज, व्हाट डू यू हैव इन नॉन वेज। In non-veg, we have grilled prawns, chili garlic prawns, balochi fish, desi murg karahi, mutton shinwari karahi, mutton peshawari karahi, chicken shinwari karahi, chicken peshawari karahi, chicken boneless handi, butter chicken achari, chicken mirchi keema, mutton pulao, mutton biryani, mutton paya, beef paya, chicken halim, and chicken biryani. What would you like to have today? म्यूट भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है अगर ज्यादा बकबक कर रहा है ना ये चैटबॉट तो इसको म्यूट भी किया जा सकता है। अच्छा अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार मुझे नॉन वेज समझ नहीं आ रहा, मुझे ब्रेकफास्ट बताओ, व्हाट डू यू हैव इन ब्रेकफास्ट। इन ब्रेकफास्ट वी हैव हलवा पूरी, आलू टर्करी एंड फ्रेंच टोस्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव टुडे। गिव मी टू फ्रेंच टोस्ट। Okay, French toast. How many? You can say 1, 2, or any number. अच्छा मैं अगर देखो टू मैंने बोला ना तो समझ नहीं आया, जाहिर है वो माइक्रोफोन का अब शोर वगैरह काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, मैं टू पे क्लिक कर दूं या मैं बोल भी सकता हूँ टू फ्रेंच टोस्ट। Okay, French toast. How many? You can say 1. Okay, 2 French toast. Noted. Would you like to have anything else? We have dishes in breakfast, barbecue, veg, non-veg, dessert, and B&B speciality. You can say check out to complete your order. Okay, 2 French toast. ये हो गया। अब मैं मुझे कुछ और अगर order करना है तो मैं वो भी करूँगा। Otherwise अगर हो गया तो मैं बोलूँगा check out. ये check out पे click भी कर सकता हूँ। ये tablet हो गए।
ये जिस क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था वो डिजाइन इस हिसाब से हुआ हुआ है कि एक टैबलेट होगा जो टेबल पे रखा हुआ होगा कस्टमर के रेस्टोरेंट के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर बाहर नहीं, ठीक है। बाद में फिर वो उसको एज अ फूड पांडा भी यूज करेंगे, हर चीज करेंगे। अच्छा, तो वो अंदर बैठे बैठे ना वेटर का जो है ना इंतजार ना करना पड़े, आए ठक 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 ऑर्डर करे अपना, क्लिक करके बोल के जैसे उसका दिल करे और ऑर्डर करके वो कंप्लीट हो जाए ऑर्डर उसका। हाँ, ये मेरे हाथ का बना। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा भी मेन्यू बोल सकता हूँ। मैंने कहा यार चेकआउट, क्लिक कर देता हूँ, बोलने में बहुत अभी माइक हमारा सही नहीं है। इन योर कार्ट यू हैव टू फ्रेंच टोस्ट, योर टोटल वेटिंग टाइम वुड बी 10 मिनट्स, टोटल प्राइस इज 12 दिरहम, इज दैट करेक्ट? से यस टू प्रोसीड। ठीक है, अब ये बता दिया इसने कि दो फ्रेंच टोस्ट है आपके अभी कार्ट में, आपका 10 मिनट लगेगा इसको आने में, क्योंकि हर डिश का वेटिंग टाइम आपको पहले से ही पता होता है कि इस डिश में कितना टाइम लगता है, और 12 दिरहम आपका वो भी बता दिया 6-6 के हिसाब से। अच्छा, और यस या डिलीट माई कार्ट भी कर सकता हूँ मैं कि भाई कार्ट में जो कुछ है उसको उड़ा दो, अभी नए सिरे से करूंगा मैं ऑर्डर, या मैं यस करेक्ट बोलूंगा तो ये और आगे बढ़ेगा। योर ऑर्डर इज प्लेस्ड, थैंक यू। ठीक है, अभी तो इसने क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं पूछा क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर यूज होता है और ये करंटली यूज हो रहा है, अभी लग गया ऑर्डर एक। अच्छा, वैसे अभी लगा नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ना एक सीक्रेट सेटिंग है जिससे टेबल नंबर सेट होता है। ठीक है, टेबल नंबर सेट करने की सीक्रेट सेटिंग है, तो अगर वो किसी ने सेट नहीं किया ना तो ये ऑर्डर डेटाबेस में जाता नहीं, डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, ये इस हिसाब से डिजाइन हुआ यूज किया जा सके और वो सीक्रेट सेटिंग सब मुझे पता है। ठीक है, तो मैं जाहिर उसको भी फिलहाल पब्लिक नहीं करूंगा तो अपना डेटाबेस क्राउडेड हो जाएगा बिला वजह। लेकिन ये एक चलता हुआ चैटबॉट है, रियल लाइफ में ये है, तो इसका भी लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, आप अगर घर में जाके इससे खेलना चाहे तो इससे अच्छा ये गूगल क्रोम में चलेगा सर। ठीक है, इसमें जो ये वॉइस का फीचर लगा है, ये वॉइस गूगल क्रोम के अलावा काम नहीं करेगी, वो फ्री वाला है। गूगल ने ना बोला यार फ्री में चाहिए ना अगर, तो गूगल क्रोम में चलेगा। बाकी चैटबॉट लिख के तो आप कहीं पे भी चला रहे, जैसे मेरे पास अभी एंड्रॉइड फोन है, आईफोन, तो उसके सफारी में अगर मैं खोलूंगा तो माइक इसका काम नहीं करता, लिख के फिर मुझे बात करनी पड़ती। ठीक है, तो ये फ्री वाला इसमें लगा हुआ है, और जो पेड वाला है उसके पैसे वो सबसे चलता है। चीज वही है, बस वो क्रेडिट कार्ड उसमें ही लगाऊ। बस अभी छोड़ दो, अभी नहीं कह रहा हूँ, बाद में कह रहा हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह इस तरह का एक चैटबॉट आप भी इस कोर्स के आगे तक बनाने के काबिल हो जाएंगे, अल्लाह के साथ से होगी। अच्छा, तो अब हम जरा ये देखते हैं बात, अभी तो बेसिक जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम थोड़ा और बढ़ेंगे आगे। वेरिएबल क्या हो रहा है, और वेरिएबल जब बनते हैं तो ये असल में जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 6 वेरिएबल बना लिए, और मैंने 6 वेरिएबल के अंदर बड़े बड़े नंबर सेव करा, किसी ने 6,000 किसी ने 8,000 लिख के मैंने सेव करवा दिया। क्या ख्याल है आप लोगों का कि ये वेरिएबल कहाँ जाके सेव होते हैं? मैंने कहीं तो जगह लेते होंगे ना, कहीं तो सेव होते होंगे कंप्यूटर के अंदर, तो कहाँ सेव होते हैं? सी ड्राइव में। मैं कह रहा हूँ वेरिएबल जो हम बनाते हैं ये कहाँ जाके सेव होता है? मेमोरी में। मेमोरी कौन से मेमोरी की बात है? रैम मेमोरी की बात है। अच्छा, और ये ग्रेड स्टोरेज है, सही गलत की है वो तो मैं बताऊंगा आपको सही क्या है इंशाल्लाह। तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये वेरिएबल कहाँ जाके सेव हो जाता है? कैशे में। अच्छा, ये रैम मेमोरी में जाके सेव। ये वेरिएबल जितने भी हम बनाते हैं ये रैम मेमोरी के अंदर जाके सेव। अच्छा, एक हमारे कंप्यूटर के 3 बेसिक पार्ट्स है ना, जो एक है प्रोसेसर जो असल प्रोसेसिंग करता है, जो उसमें लॉजिकल यूनिट लगा हुआ वो असल में प्रोसेसिंग जो कर रहा होता है। अच्छा, एक होती है हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव होती है परमानेंट स्टोरेज के लिए, परमानेंट जो सेव कर दिया आपने वो कंप्यूटर ऑफ भी कर देगा तो सेव, तो परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। जब किसी चीज को प्रोसेस करना होता है तो दरमियान में ना रैम होती है, दरमियानी आइटम होता है। तो जब किसी चीज को प्रोसेस करना होता है तो हार्ड ड्राइव से पहले उठा के रैम के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव बहुत स्लो होती है, प्रोसेसर की स्पीड के हिसाब से ना बहुत स्लो होती है, तो डायरेक्ट हार्ड ड्राइव से उठा के प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है पर वो बहुत स्लो होगा। तो बीच में रैम होता है, पहले वो चीज रैम में आके सेव होती है और फिर वो चलती है,
तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में एट द मोमेंट जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो कहाँ मौजूद है, वो रैम में मौजूद है। अब चाहे वो कोई बड़े से बड़ा गेम हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे गूगल क्रोम हो, जो चीज स्क्रीन पे सामने खुली के आएगी ना वो कहाँ पर है, वो रैम मेमोरी के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, तो हम जब जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करते हैं तो जब ये रन हो रहा होता है आपके सामने तो ये पूरी की पूरी फाइल रैम में होती है और इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं वो सब रैम में जाके सेव होते हैं। अब सवाल ये कि सेव कैसे होता है, वेरिएबल के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है। अच्छा, तो ये चीज समझने के लिए ना हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे। अच्छा, आमतौर पर ये चीज कवर की नहीं जाती है, वेब डेवलपमेंट के कोर्स में भी नहीं होती है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जनरल प्रोग्रामिंग किसी भी कोर्स में ये बात डिस्कस नहीं की जाती, इवन अमेरिका MIT वगैरह में भी नहीं की जाती। ठीक है, वहां मैंने लेक्चर वगैरह सुना तो नहीं होता वहां, लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये जो बात अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो कंप्यूटर का मिजाज आपको समझने में आसानी होती है और फर्दर प्रोग्रामिंग सीखने में आपको काफी हेल्प आउट होता है। एक वेरिएबल बनते कहाँ है और अंदर सेव कहाँ हो गया है। अच्छा, तो ये हमारे कोर्स आउटलाइन में सैलानी ने भी रखा, ये मैं अलग से वैसे ही कर रहा हूँ। 10 मिनट की डिस्कशन है, कोई ज्यादा लंबी नहीं। बिल्कुल पीछे चले जाओ जब कंप्यूटर मौजूद ही नहीं थे तो साइंटिस्ट जो थे उस जमाने के, साइंस साइंस क्या होती है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को स्टडी करना है, साइंस। ठीक है, तो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उनको ये बात पता थी कि दुनिया के अंदर जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं, उसकी बेसिक क्लासिफिकेशन दो, एक है कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है और एक है इंसुलेटर जैसे कि प्लास्टिक वगैरह रबर लकड़ी जो करंट को पास नहीं होता। अभी मैं बिग पिक्चर में बात कर रहा हूँ, समटाइम लकड़ी भी जो है वो कंडक्टर बन जाता है, गीला कर दो लेकिन उसकी बात नहीं होती। अभी तो उनको पता था कि बेसिकली दो टाइप होती है, एक मटेरियल होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर जो करंट को पास नहीं होने देते, एक करंट को पास होने देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर खड़ी थी अभी ह्यूमैनिटी। ये लगभग कोई बात होगी 50s की या 40s की बात बता रहा हूँ शायद, आई एम नॉट श्योर, मुझे बताइएगा ये कौन से टाइम की बात है। उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमंस को ये पता चला, साइंटिस्ट ने ये बात डिस्कवर की, साइंटिस्ट इजाद नहीं करते डिस्कवर करते, चीजें पहले से मौजूद होती हो डिस्कवर होती हो दरियाफ्त होती है। ठीक है, इजाद वो होता है बनाया गया फ्रॉम स्क्रैच, तो इजादात बहुत कम है, डिस्कवरीज ऑन अदर हैंड बहुत ज्यादा होती है। तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि एक तीसरे तरह का मटेरियल भी होता है। अभी बिल्कुल कंप्यूटर को भूल जाओ, कंप्यूटर है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल जहन से निकाल दो, अभी हम उस दौर में देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर आप अपने सामने बनता हुआ ये देख रहे हैं। आप इसको इस तरह से इमेजिन करें कि आप इस पूरे एक मूवी की तरह कंप्यूटर की एवोल्यूशन को आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर बना कैसे इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, तो साइंटिस्ट को ये पता लगा कि तीसरे तरह का भी एक मटेरियल होता है और उस मटेरियल की खास बात क्या होती है कि हमारी मर्जी से हम जब चाहेंगे तो वो कंडक्टर बन जाता है और हम जब चाहेंगे तो वो इंसुलेटर बन जाता है। एक ऐसा तीसरे तरह का मटेरियल दरियाफ्त हो गया। अच्छा, उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा मटेरियल है जो हमारी मर्जी से हम जब चाहे वो कंडक्टर बन जाता है, जब चाहे वो इंसुलेटर बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बाय द वे, मतलब हमारी मर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसको एक खास अंदाज में, तो कंडक्टर बन जाता है, एक खास अंदाज में देते हैं तो इंसुलेटर बन जाता है। ठीक है, अच्छा, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का बैठा हुआ है, अगर जस्ट इन केस, क्योंकि ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये स्टेटमेंट जो दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा जब सुनेगा ना तो उसका माइंड ब्लो हो जाएगा, कहेगा यार ये क्या बकवास बात कर दिया तो कहेंगे यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये आपने क्या बात कर दी। ठीक है, असल में उनको थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ाई जाती है चीज ना, होती बात यही है लेकिन बताते मुख्तलिफ अंदाज में, थोड़ा जाहिर है टेक्निकल अंदाज में बताते हैं। तो मैं रेफरेंस के लिए बात कर रहा हूँ कि वो इसको समझे ट्रांजिस्टर, ये डायोड समझे, डायोड में क्या होता है, एक तरफ से करंट भेजो तो वो इंसुलेटर होता है, दूसरे तरफ से भेजो तो कंडक्टर होता है, तो चीज एक ही, लेकिन एक तरफ से भेजो तो नहीं जाता, दूसरी तरफ भेजो चला जाता। तो इसको अभी आप डायोड या ट्रांजिस्टर करके सोचें, आप मेन क्यों शायद इस तरह से आपको बिल्कुल ऑड लगेगी,
अच्छा, तो एक तीसरे तरह का मटेरियल दरियाफ्त हो गया जो हमारी मर्जी से कभी कंडक्टर बन सकता है, कभी इंसुलेटर बन सकता है। अभी तक कंप्यूटर नहीं दरियाफ्त हुआ, कंप्यूटर नहीं बना लिया, फिर क्या हुआ? मैं बड़ा एंथुसियास्ट था, मैंने क्या किया, वो सेमी कंडक्टर मैंने खरीद ली। और सेमी कंडक्टर की मेरे पास जैसे जैसे गोल्ड की बिस्किट होती है ना, ऐसे मेरे पास बिस्किट है सेमी कंडक्टर की। अब मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ, कंडक्टर बन जाता है, और एसिड देता हूँ, इंसुलेटर बन जाता है। मैंने उसको ना रूम में सजा दिया, मैंने उसके अंदर एक को ऑन एक को ऑफ करके ना सजा दिया रूम में। इमेजिन करो, अब मैं अगर और से आप सोचे ना, तो मैं अब इस काबिल हो गया, मेरे पास वो 10 बिस्किट मैंने खरीद लिए, मैं इस काबिल हो गया कि मैं कुछ डेटा स्टोर करवा सकूंगा। अच्छा, मैं उसको अब अपने घरेलू इस्तेमाल में ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ बोला, मैंने मेरे पास मिसाल के तौर पे अगर फ्यूल मैं रिजर्व में रखता हूँ, घर पे फ्यूल बहुत सारे लोग रखते हैं, मैंने सबसे पहले वाले बिस्किट को ना क्या किया कि अगर मेरे पास 1 गैलन अगर एटलीस्ट फ्यूल मौजूद है तो पहले वाले को मैं ऑन रखूंगा। तो मैं जब भी रूम जाऊंगा मैं पहले वाला ऑन है, मतलब मेरे पास फ्यूल एक मौजूद है। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ यूजेस केसेस बना लिए अपने। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अगर फ्रिज में ना बटर अगर है, एक पैक पूरा सील पैक एक पीस पड़ा हुआ है बटर, तो सेकंड वाला ऑन होगा तो मुझे उससे पता चलेगा। अच्छा, मैंने तो सेटिंग बना दी है, सारे अपने सर्वेंट्स को बता दिया कि भाई जैसी आखिरी बटर का पीस जैसे ही खुलेगा ना, इसको तुमने ऑफ कर देना है सेकंड वाले को। ऐसे ही मैंने थर्ड वाले को लगा दिया कि यार बटर के साथ डबल रोटी भी चाहिए होगी, तो डबल रोटी अगर एक पैक पीस पड़ी हुई है ना, तो थर्ड वाला ऑन होगा। अब देख रहे हो कैसे मैं डेटा स्टोर करने के काबिल हो गया। अच्छा, ये डेटा जब तक स्टोर है जब तक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, वो खत्म होगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी वो अपना अपने वैल्यूज को खो दे लो अगर इलेक्ट्रिसिटी हटा दी। तो अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अपने मक्खन डबल रोटी का रिकॉर्ड रख पा रहा हूँ, एक डिवाइस मेरे पास आ गई है। लेकिन मसला ये कि यार ये तो बड़ी लिमिटेड है, मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए कि मैं ना सिर्फ ये पता लगा सकूं उसको डेटा को देख के कि मेरे पास डबल रोटी मौजूद है फ्रिज में, बल्कि कितने पैकेट मौजूद है ये भी मैं पता लगा सकूं। अब ये क्या, ये कैसे होगा? तो साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाना शुरू किया। साइंटिस्ट में एक टाइप होती है मैथमेटिशियंस, ये साइंटिस्ट बहुत सारे होते हैं अलग अलग, तो एक साइंटिस्ट होते हैं जिसको मैथमेटिशियंस बोलते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। मैथमेटिशियंस को, उस जमाने के जो मैथमेटिशियंस थे, उनको ये टास्क दिया गया कि एक ऐसा नंबर सिस्टम डिजाइन करना है आपने जिसमें क्या हो, सिर्फ दो ही यूनिक सिंबल्स हो। हमारी जो गिनती है नॉर्मली इसमें कितने यूनिक सिंबल होते हैं, 10, 0 से लेकर 9 तक 10 यूनिक सिंबल होते हैं, लेकिन हमारे पास तो दो ही है ना, या तो ऑन है या तो ऑफ है, या तो इंसुलेटर है या तो कंडक्टर है। तो उस जमाने के मैथमेटिशियंस को ये टास्क दिया गया होगा, अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअली ऐसा या पहले से शायद मौजूद हो, वेल, कि ऐसा नंबर सिस्टम बनाओ जिसमें सिर्फ दो यूनिक सिंबल्स होते हैं। अच्छा, फिर मैथमेटिशियंस ने दिमाग वगैरह लगाया, उन्होंने एक नंबर सिस्टम बनाया, नंबर सिस्टम डिवाइस किया उन्होंने, अच्छा इस तरह कर लो तो आपका मसला हल हो जाएगा, इस तरह करके कर लो, इसको हम कहते हैं डिवाइस करना। ठीक है, इजाद नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया, डिवाइस सजेशन भी किया, ऐसे कर लो। अच्छा, वो उसको फिर नाम क्या दिया गया, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। अच्छा, तो अब बाइनरी नंबर क्या होता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा 1010 करके लिखा होता है, उसको बाइनरी नंबर कहते हैं। अब मुझे सेव करवाना है बाइनरी नंबर में, मेरे पास 4 पैकेट है डबल रोटी मिसाल के तौर पर, मेरे पास बिस्किट भी है, अब मुझे उसके अंदर सेव करवाना है, 4 लिख के सेव करवाते हैं। तो ये सेव करवाते हैं थोड़ी देर में, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं थोड़ा कि मैथमेटिशियंस ने जो डिवाइस किया था ना नंबर, वो था क्या, उन्होंने बोला क्या था कि ऐसे कैसे करो। ठीक है, आपके सामने मैं यहाँ पे एक बाइनरी नंबर लिख देता हूं,
अच्छा, आप में से कितने लोग मुझे राइट नाउ ये बता सकते हैं कि ये क्या लिखा है? सिर्फ हाथ खड़ा कीजिएगा, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है बाइनरी में? एक भी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है? एक नहीं। मैंने कहा सिर्फ हाथ खड़ा करो, वो तो अभी हम करेंगे कैलकुलेट। आपको भी समझ आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? बगैर गूगल वगैरह किए हुए ऐसे ही फिंगर टिप्स पर। और तुम्हें भी आ रहा है समझ में? आ रहा है। अच्छा, तो मतलब मैंने जब जिंदगी में पहली बार बाइनरी नंबर पढ़े थे ना, स्कूल में भी पढ़ाते हैं वो 5-6 क्लास में थोड़ा सा होता है एक्सरसाइज, मैंने सोचा था दिल में कि यार ये क्या वाहियात चीज बना दी है। क्या बना दिया भाई, हमें मुश्किल में डाल के चलेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि पता नहीं दोस्तों कि ये बना क्यों है, इसकी बड़ी अशद जरूरत थी। अगर ये नहीं होता तो कंप्यूटर होते ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। ये बनाया तो डेटा सेव हुआ है, तो कंप्यूटर का एक स्टेप और आगे बढ़ा, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये गारंटी कर रहा हूं अभी आप सब लोगों को कि 5 मिनट के बाद मैं ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये आप फिंगर टिप्स पे अपने कैलकुलेट करके बताएंगे ये क्या है। और एक और नंबर दूंगा, वो भी आप बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी, एक यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। अब मेरे पास ना ये क्या है, 8 बिस्किट्स है मिसाल के तौर पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैथमेटिशियंस ने मुझे बोला कि यार आप ना टेंशन नहीं लो ज्यादा, आप हर बिस्किट को एक वैल्यू दे दो। आप बोलो पहली वाली बिस्किट का नाम वैल्यू है 1, दूसरी वाली का वैल्यू है 2, तीसरी की वैल्यू है 4, उसके बाद है 8। देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा सर, उसके बाद है 16 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद 128। अब इसमें से जो वाली वैल्यू ऑन हो ना, मेरे पास क्यों गया, मैंने बिस्किट सजाई है, एक को मैं ऑन कर देता हूँ, एक को मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑन ऑफ ही कर सकता हूँ। तो जो ऑन है उसकी वैल्यू को सबको सम कर लो तो कोई ना कोई नंबर तो बन ही जाएगा भाई। 3 मैंने ऑन किया हुआ है 10 में से, तो तीनों की जो जो वैल्यू उसको प्लस कर लो, कोई तो नंबर आएगा ना। तो उन्होंने बोला ऐसे कर लो। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, कुछ कर लेते हैं। मैंने पहले वाले को कर दिया ऑफ, इसको कर दिया ऑन, इसको भी ऑन कर दिया, फिर इसको ऑफ कर दिया, फिर इसको ऑफ कर दिया। अब सबको ऑफ कर देता हूँ, सबको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया। अच्छा, क्या बन गई है वैल्यू, 2 + 4 = 6, ठीक है। 6 और 128 कितना हुआ, 134 हुआ। तो ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ना बाइनरी में, ये क्या लिखा हुआ है, 134 लिखा हुआ। मुश्किल तो नहीं है, आसान है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे लिखना है, जैसे मैंने कहा 4 double rotation है, 4 मुझे 4 लिखना है, कैसे लिखूंगा भाई? 4 को मैं ऑन कर दूंगा, बाकी सबको मैं ऑफ कर दूंगा। निकाल लिया 4, हो गया। अच्छा, मुझे 12 लिखना है, 8 को 1 कर दूंगा, 4 को 1 कर दूंगा, 8 और 4 = 12, हो गया। ये है बाइनरी, सिंपल सा। अच्छा, थोड़ा बड़ा नंबर देखते हैं, बड़ा नंबर थोड़ा मिसाल के तौर पे। अब मुझे इसमें लिखना है 289। अब कैसे लिखूंगा, नहीं थोड़ा डिफरेंट करते हैं, 189 मुझे लिखना, बताओ कैसे लिखूंगा इसमें? कौन कौन से ऐसे नंबर है इसको प्लस करूंगा तो 189 आ जाएगा? आसान तरीका इसका भी देखो, 189 तो उसमें है नहीं, तो 189 से जो छोटा नंबर है वो 128, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। अब 128 चला गया, कितना बचा पीछे, 61 बचा ना। अच्छा, 189 में से जो ना मैंने ये 128 तो यहाँ ऑन कर दिया, तो हो गया 39 बचा पीछे। अब 39 भी इसमें नहीं है,
दोबारा कर लेता हूँ मैं, मैथ मेरी यार इतनी अच्छी नहीं है। क्या था मेरा 189 था ना, 189 और माइनस कितना कर दो मैं 128, 61 बचा, सही कह रहे हो, थैंक यू। अच्छा तो 61 बचा है पीछे। अब देखो 61 तो यहाँ पे है नहीं, 61 से छोटा नंबर कौन सा है, 32 है, तो मैंने इसको भी ऑन कर दिया। अब 61 में से 32 चल गया, 61 में से अब 32 चला गया, अब बचा 29, और 29 भी नहीं है इसमें तो 16 है, 29 में से 16 चला गया, और कितना बचा पीछे, 15 बचा, मुझे नहीं पता तुम्हारे कहने का, 15 भी नहीं, 8 है, चलो 8 निकल, 8 निकल गया, 15 में और कितना बचा, 15 में से 8 निकला तो 13 थोड़ी बचा, अच्छा 13 बचा था पहले, अच्छा अब कितना बच गया अभी ये लगाने के बाद, 5 बचा, तो 4 को कर दिया, 1 को कर दिया, बाकी जो बचे वो 0 है। तो ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 189। अच्छा कोई दोबारा कैलकुलेट मारेंगे ना तो वही आएगा, मतलब जाहिर है दोबारा जब मैं रीड करूंगा तो वही आएगा ना, तो मैं रीड कर लेता हूँ, 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 4 और 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, हाँ बिल्कुल सही लिखा है 189। तो क्योंकि जो लिखेंगे वापस रीड करेंगे तो वही आएगा, तो हम बाइनरी नंबर बनाना भी सीख गए, उसको पढ़ना भी सीख गए। हम बाइनरी, अगर 189 एक वैल्यू थी ना मेरे पास, वो मैंने लिखना सीख लिया मैंने कि भाई 189 उससे छोटा है, उससे छोटा लिख, फिर जो बचे उसमें उसमें सबसे छोटा है, फिर जो बचे छोटा है, तो आखिर में आपके पास वैल्यू खत्म हो जाएगी आखिर में। अच्छा कौन मुझे ये बताएगा कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बिस्किट्स है मेरे पास, ये इसमें कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, 256। अच्छा नहीं असल में मैं ये नहीं सुनना चाहता, देखो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होगी वो ये होगी कि मैं सारे को ऑन कर दूं, यही हुआ ना, सबको वन कर दूं मैं, तो सबको वन करने पे जो भी आती है ना वैल्यू वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो गालबन यही बनेगी 255 या 256 बनेगी, सही है। अच्छा मिनिमम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, 0 नहीं कर सकता, सबको 0 कर दूंगा, मिनिमम पॉसिबिलिटी देखिए सबको 0 कर दूं तो 0 हो गया, तो 0 से लेके 255 तक की कोई भी वैल्यू अब मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ, मेरे पास जो बिस्किट है ना 10 लगी हुई लाइन से, 8 है फिलहाल, सही 10 नहीं। अच्छा ये जिस चीज को मैं इतनी देर से बिस्किट्स बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड बिट, ठीक है, इसको हम कहते हैं बिट, नहीं बिस्किट नहीं कहते इसको, यानी टेक्निकल जुबान में बिट कहते हैं, वैसे तो मैं बताने समझाने के लिए बिस्किट बोल रहा था। अच्छा कौन अब ये बताएगा कि ये क्या लिखा हुआ, हाँ भाई सब लोग 51 है पक्का, ये 33 है, नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने ही गारंटी की थी ना कि 5 मिनट बाद आप सब लोग गारंटी 51 है, हाँ भाई कैलकुलेट करो दोबारा से, यही स्केल है नीचे वाला। अच्छा तो मैं भी करता हूँ कैलकुलेट, मुझे भी नहीं पता क्या लिखा, मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया था। अच्छा पहला 0 है, दूसरा 0 है, ठीक है, तीसरे वाला जो है उसका क्या है, 32 स्टॉक वैल्यू है, तो 32 और उसके बाद 16, 32 और 16 कितना हुआ, 48 हुआ, 48 के बाद 2 और 1 51, तो ये 51 हो गया भाई, सही है, ज्यादा तो लोग 51 बता रहे थे, लेकिन कुछ अगर आगे पीछे भी कैलकुलेशन हुई थी तो आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे ना ये स्केल के मुताबिक, अभी जाओ सबर करो, अभी जा रहे टाइम हो गया क्या, बड़े टाइम हो गया। अच्छा तो हाँ जब हम कर लगी, ये हमारी डिस्कशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई, बस 2 मिनट में हम क्लास खत्म करते हैं। अच्छा अब जरा और से मुझे सोच के बताओ कि भाई 255 से बड़ा नंबर तो इसमें स्टोर नहीं हो रहा, अब इससे ज्यादा का नंबर स्टोर करना तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बिस्किटें और खरीद लूंगा जाके अपने ड्राइंग रूम में और लगा दूंगा लाइन से, क्योंकि मेरे पास अब हो गए
ये मैंने ना नीचे एक सेट और खरीद लिया बिस्किट का, सही है। अब टोटल मेरे पास 16 बिस्किट हो चुके हैं, 8 पहले थे, 8 अभी और हो गए। तो अब जो ये वाली बिस्किट है मेरी जो अभी मैंने खरीदी है, इसकी वैल्यू क्या होगी 128 के बाद? डबल डबल करते जा रहे थे ना, 256 हो गए, ठीक है। उसके बाद 512, सही है, 2048, 4096, ठीक है। अभी ये पूरी गिनती की बात नहीं है। अच्छा, क्या ख्याल है आपका एक एक, अच्छा ये जो पूरा 8 है ना मिला के इतना, इसका भी एक नाम है, टेक्निकल नाम है इसका, इसका नाम क्या है? बाइट, ठीक है, इसका नाम है बाइट, ठीक है, बाइट है। सिंगल पीस जो है वो बिट है, और ये आर्ट का जो सेट होता है ना इसको बाइट कहते हैं। अब आर्ट का क्यों बनाया, 10 का क्यों नहीं बनाया, ये भी एक सवाल है। ये इंटरनेट पे लोग बड़ा डिस्कस करते हैं इसको, तो इसको फिलहाल कहना चाहते हैं। लेकिन एक को तो बिट है और आर्ट का सेट पूरा मिलता है, जब भी आपको मिलता है सेट मिलता है आर्ट का, एक नहीं मिलता ये, तो वो बाइट कहलाता है। तो अब क्या ख्याल है कि एक बाइट में तो मैं 0 से लेकर 255 तक सेव करा सकता था, 2 बाइट में कितना करा सकता हूँ? सबको बंद कर दूंगा। तो क्या ख्याल है अगर मैं सबको बंद कर दूं तो कितना बड़ा नंबर हो जाना चाहिए? हाँ भाई, डबल तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, 4 डबल, क्योंकि हम डबल करते जा रहे हैं ना उसको, तो ये दूसरे बिट के आखिर तक पहुंचते पहुंचते ये 65,000 तक की वैल्यू स्टोर कर पाएगा। ये 2 बाइट अगर मेरे पास है तो ये इसके अंदर में 0 से लेके 65,535 तक की वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं 4 कर दूं इसको, 4, अच्छा ये बिलियन की वैल्यू क्रॉस हो जाती है, जब 4 बिट होती है ना तो 4-5 बिलियन हो जाता है। 4 से 8 कर दूं तो ट्रिलियन और गोजिलियन 15 डिजिट हो जाता है, 8 बाइट। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर का वेरिएबल है वो कितने बाइट का होगा? 8 बाइट का होगा, 8 बाइट। तो इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट के नंबर का जो वेरिएबल है उसमें मैं कितना बड़ा नंबर स्टोर करवा सकता हूँ? 15 0 वाला नंबर, सही है। वो गूगल करेंगे ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ नंबर वेरिएबल, वो 15 डिजिट का एक नंबर आ जाता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू। ह्यूमनली कोई भी चीज इतनी ज्यादा होती नहीं है आमतौर पर, ठीक है। ह्यूमनली जो पॉपुलेशन है वो भी इतने की नहीं है, 1970 से जो टाइम काउंट हो रहा है मिलीसेकंड में वो भी इतना बड़ा नहीं है। तो 15 डिजिट तक आमतौर पे ह्यूमनली जो भी कैलकुलेशन है ना वो जाती ही नहीं है 15 डिजिट तक ना, लेकिन उन्होंने फॉर सेफ साइड 15 डिजिट किया। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा जो नंबर का वेरिएबल होता है वो क्या होता है? 64 बिट या 8 बाइट, जो एक ही बात है दोनों, सही है। बिट में बोलो तो थोड़ा 64 बनता है और बाइट में बोलो तो बनता है 8, एक ही बात है, एक चीज को बोलने के 2 तरीके हैं। तो अब इसमें मैंने एक चीज नहीं बताई, वो क्या नहीं बताई? इसमें अगर मुझे माइनस के नंबर सेव कराने तो कैसे होगा? इसमें अगर मुझे पॉइंट वाले नंबर सेव कराने तो कैसे होगा? सवाल है ना ये, वो तो मैंने नहीं बताया। अच्छा, तो ये मैं आपके लिए क्यूरियोसिटी छोड़े जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि वेरिएबल में जो चीज हम स्टोर करते हैं वो अंदर में असल में, क्योंकि कंप्यूटर चलता है 0-1 पे ही हम सुनते हैं, लेकिन आज हमने ये देख भी लिया कि जब हम एक नंबर स्टोर करवाते हैं तो अंदर वो 0-1 में कैसे सेव होता है, और जब हम रीड करते हैं तो वही 0-1 हमें डेसिमल बन के दिखता है बाद में। अच्छा, तो ये आप लोगों को खुद से अब रिसर्च करनी है। जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल है वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसमें आप पॉइंट वाला नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो फ्लोटिंग पॉइंट है। जैसे कुछ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल अलग होते हैं और बगैर पॉइंट वाले अलग होते हैं, तो 4-5 टाइप हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही टाइप है, उसमें सब आ जाते हैं, जो चीज रखना चाहो आ जाते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जब बनता है तो वो अंदर मेमोरी में कैसे चलता है, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, बिल्कुल बेसिक, जो शायद अब ये अप्रोच इतनी सिंपल अप्रोच है इस्तेमाल भी नहीं होती, जाहिर है ये उस वक्त की बात है जब पहली दफा की बात है ये जो मैं रखती हूँ। बाद में जाहिर है ये बाइनरी नंबर में थोड़ी थोड़ी चीजें अपडेट होती चली गई है वक्त के साथ से,
तो पॉइंट वाला नंबर कैसे स्टोर होगा और माइनस वाला नंबर कैसे स्टोर होगा कि आप लोगों को जाके गूगल पर सर्च करना है। अगली क्लास में हम इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे और अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि नंबर तो स्टोर हो गया लेकिन मैं तो उसमें जो हेलो वर्ल्ड लिख के जो सेव करवाता हूँ वेरिएबल के अंदर वो कैसे सेव होगा, उसके लिए क्या कोई अलग फाइल नहीं है, वो कैसे सेव होगा। तो ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट जो सेव होता है किसी भी वेरिएबल में वो कैसे सेव होता है। बहुत सिंपल अप्रोच है, बहुत सिंपल अप्रोच है, लेकिन ये आपके लिए फिलहाल मैं क्यूरियोसिटी छोड़े जा रहा हूँ। तो प्लीज आप सब लोग जाके इसको रिसर्च कीजिएगा। अच्छा, और देखो मैंने शुरू में बताया था मैं बहुत लंबी लंबी बातें करता हूँ, मेरी बातों में आने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ आपका ये काम है कि आप उसको जाके वेरीफाई करें, उसको सर्च करें हमेशा। कभी भी आपने अगर जिंदगी में ना, कभी भी जिंदगी में अगर सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे रिलाय किया तो आप कहें बेड़ा कर रहा। सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर आप कभी भी रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी क्रिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुझसे आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने आपको पढ़ा दिया गलत, तो आपको तो लगेगा मैं सही पढ़ा रहा हूं। तो कभी भी दुनिया में कोई भी चीज हो, किसी बंदे के बारे में राय कायम करनी हो, किसी शॉप के कोई भी, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे आपको रिलाय करना। मिसाल के तौर पर आप सिंपल एक्सपेरिमेंट है, सिंपल आप खड़े में एक जगह पे एरिया में आपको पूछना है फोटोकॉपी की दुकान कहाँ है, फोटोकॉपी की दुकान कहाँ पर। आपने किसी बंदे से पूछा, उसने बोला यार इस तरफ यहाँ चले जाए सामने गली में, आपको घुमा दिया उसने मिसाल के तौर पर। अच्छा, अब जब आप वही बात दूसरे बंदे से पूछेंगे ना, क्लास खत्म हो गई हमारी अभी ऐसी गुफ्तगू करना है, उसने बोला यार यहाँ गली में, उसने आपको घुमा दिया। अब वही बात अगर आपने ना वो चला गया उन्होंने कहा थैंक यू यार बाय, थोड़ा आगे जाके वही बात आप दूसरे बंदे से पूछेंगे ना, उस दूसरे बंदे को ये नहीं पता है कि पहला वाला क्या झूठ बोल के गया। सेम झूठ नहीं बोल सकता, वो पॉसिबल नहीं है, सेम झूठ तो नहीं बोल सकता ना, पता उसको पता ही नहीं है कि क्या झूठ बोल के गया पहले वाला। अगर उसने झूठ बोला तो पहले वाले से मुख्तलिफ बोलेगा, लेकिन अगर दोनों बंदों की बात मैच हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो बात सही है। कैसा लिटमस टेस्ट है किसी भी बात को चेक करने का ना, कि ये बात सच है या झूठ है, इसका ही लिटमस टेस्ट है। अच्छा, मिसाल के तौर पे दूसरे बंदे ने बताया वो बात मुख्तलिफ बता दी, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि पहले वाला झूठ बोल के गया कि दूसरा वाला, तीसरे से पूछ लो। तो जो दो बात मैच हो गई वो सही है, ठीक है, जो दो बात मैच हो गई वही सही है। तो प्लीज मैं सिर्फ ही अपनी बात नहीं कर रहा, दुनिया में आप किसी से भी कोई डेटा आपको मिलता है ना आप उसको क्रॉस चेक करें, ये बहुत अच्छा आपके पास, अब तो इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, दुनिया पूरी आपके कदमों में इंटरनेट की सुविधा, तो आप उस नॉलेज को क्रॉस चेक करें, ठीक है, और उसके ऊपर आप डिसीजन लें, क्योंकि ये जिंदगी का डिसीजन ले रहे हैं आप, ये आप यहाँ बैठे हुए सब अपनी जिंदगियों का फैसला कर रहे हैं, तो प्लीज इसमें थोड़ा सीरियसली, और ये मैं आपकी जो टॉपिक छोड़े जा रहा हूँ इस पर सर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जा सकते हैं आप।